अब टिश्यू भी दूसरा उठाना था ना। समझ कर बोलो, तुम बोलो मत। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो यहाँ पे अभी मैं राइस भिगो रही हूँ। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैंने 1 कप चावल भिगोए हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। साथ मैंने फ्रीज़र ओपन किया तो मैंने कहा चलो आज चने भिगो देती हूँ। ये मैंने बॉयल करके रखे हुए थे तो इनकी आज मैं बनाऊँगी चना चाट। तो ये भी मैंने निकाल ली है। इनमें भी मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इनको भी भिगो दूँगी। चने मैं शुरू से ही मतलब मैंने जब से होश संभाला ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शादी से पहले भी और अभी भी, शादी के बाद भी मैं हमेशा बॉयल करके फ्रीज़ करती हूँ। और अगर मैं फ्रीज़ ना करूँ तो फिर मैं फ्रेश बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन मैं रखती हूँ। आप सबको पता है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे काम मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़े से बर्तन रखे हुए थे वो मैंने वॉश कर लिए और ये मैं सारी जगह साफ़ कर रही थी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो जी काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा किचन साफ़ कर लें फिर अपने काम भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज मैं खाने में बनाऊंगी कीमा, लेकिन उससे पहले मैंने निकाली हैं पाकिस्तानी देसी मिर्चें। मैं यहाँ से मिर्चें लेकर आई थी एक और ब्रांड की। तो आप देखें यहाँ तो फिर भी ज़रा कलर अच्छा लग रहा है, सामने देखने में बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे धनिया या जो वो होता है ना ज़ीरा, उस तरह का कलर था। तो मज़ा ही नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा कलर तो छोड़े, मुझे टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो जी अपनी पाकिस्तानी मिर्चें निकालते हैं। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और अभी आप इसका कलर देखें, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लालो लाल मिर्चें ना, देख के दिल खुश हो गया। और इसकी जो खुशबू आ रही थी, वो जो सही मिर्चों वाली खुशबू आती है ना, तो मुझे तो पाकिस्तानी चीज़ें और पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ये देखें, मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ यहाँ पे, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा जो पंसार की शॉप से लाई थी ना मैं, वो भी इतनी ज़्यादा लाल नहीं थी, लेकिन उनकी खुशबू और टेस्ट बड़ा अच्छा था, बहुत तेज़ थी। लेकिन ये वाली जो मैंने यहाँ से ली थी ना, इनसे तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये चाह रही थी अच्छा ख़त्म कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं पैकेट खोल लेती हूँ इनको मिक्स करके और फिर यूज़ कर लूँगी। अच्छा सालन मसाले के मैंने क्यूब्स डाले हैं। और हाँ, सालन मसाले की मैंने डिटेल वीडियो व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर दी है, आपने देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं कुछ चीज़ें जो है ना, जो बहुत ज़्यादा आप सब बहनें पूछती हैं, जो नए व्यूवर्स आते हैं वो पूछते हैं, तो मैं अपने व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर दिया करूँगी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अब जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा खजूर मैं वॉश कर लेती हूँ। 2 तरह की खजूर मैंने निकाली है और ये जो अभी मैं बॉक्स से निकाल रही हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने कहा चलो दोनों वॉश करके मैं टेबल पर रख दूँगी। आज उस्मान का ऑफ है तो इसलिए मैं ज़रा सुकून से इफ्तार तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन फिर भी यह है कि मैंने कहा चलो ज़रा रिलैक्स होके ना इफ्तार बनाते हैं। अदरवाइज़ बहुत ही मुझे टेंशन लगी होती है कि मैं उनको चीज़ें पैक करके और टाइम पे दे दिया करूँ। तो मैंने कीमे में सालन मसाला और बेसिक मसाले सारे डाल के, उसके बाद मैंने गर्म पानी डाल दिया, उसको मैंने प्रेशर दे दिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे आलू वाले पकौड़े। उस्मान ने एक दिन पहले फ्राई किए थे, इतने मज़े के किए थे ना, तो मैंने कहा चलो आज फ़ायदा उठाते हैं। और आज वो घर पे हैं तो मैं सारी चीज़ें बराबर करके उनको दोबारा दूंगी कि आज वो दोबारा फ्राई कर लें। कीमे में आज मैं डालूंगी मटर और आलू और कीमा है मटन का, यहाँ पे वैसे लैम्प का होता है, पाकिस्तान में मटन का होता है ज़्यादा, तो वो आज मैं बना रही हूँ। मैंने इस टाइम टेबल पे चीज़ें भी रख दी। मैं स्टार्ट कर देती हूँ इस टाइम पे चीज़ें रखना, मुझे याद आती जाती है ना, साथ साथ मैं रखती जाती हूँ। और यहाँ पे ये देखें, ये मैंने चने निकाल के और आलू मैंने थोड़े से बॉईल कर लिए और इसी में मैंने ये डाल दिए हैं। थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले मैं नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन यह है कि इस तरह से ये भी सॉफ्ट हो जाते हैं और बड़े मज़े के रेडी होते हैं। अच्छा जी, चने जो हैं वो तो हो ही गए, उनमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कीमा खोला, प्रेशर मैंने खोला तो इसमें थोड़ा सा पानी था, तो मैंने इसमें आलू और मटर डाल दिए और इसको मैंने ज़रा ड्राई होने के लिए रख दिया। अच्छा जी, ये आलू मेरे पास फ्रिज में रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो इनकी भी मैं बना लेती हूँ, टिक्कियाँ टाइप की बना लेंगे, बेसन में कोट करके ना इसको भी फ्राई कर लेंगे। और जब पानी ड्राई हो गया तो बस यहाँ पर मैं ऑयल डाल के इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं बॉयल्ड राइस पर ना कोई भी सालन कीमा ये डाल के खाऊँ, बहुत ज़्यादा मेरा आज दिल चाह रहा था। और मेरी अम्मी के घर हमारे मतलब मेरे मेके में बहुत ज़्यादा वाइट राइस बनते हैं, बॉयल्ड राइस जो होते हैं, मतलब डेली या हर दूसरे दिन या ऑलमोस्ट डेली बनते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं यूज़ टू बहुत ज़्यादा हूँ। मेरा बस चले तो मैं डेली बनाऊँ और डेली सालन डाल के खाऊँ। तो आज मैंने कहा बस आज तो मैं बनाऊँगी, और रोटी जो है ना मैं नहीं बनाती, बाद में बनाऊँगी। लेकिन खैर कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही थी, और मैं आपको बता रही थी जो सालन मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया ना, बहुत लाइफ इजी हो जाती है। तो कोई प्याज टमाटर काटने की कोई झंझट नहीं है। और ये देखें ये कितने मज़े का जो है ना यहाँ पे मैं भून रही थी, मतलब अभी भी मेरे देख के ना मुँह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, चावल मैंने पहले वॉश नहीं किए थे, अभी मैं वॉश कर रही हूँ। उस टाइम पे ज़रा मैं बिज़ी थी, तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं अपने बहुत ही प्यारे से क्यूट से छोटा सा जो ये कुकर है ना, इसमें आज मैं बनाऊँगी। ये वैसे आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। राइस के लिए तो मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ये मैंने 1 कप बनाया है, जो मेजरिंग कप होता है ना उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। पानी मैंने इसमें डबल डाल दिया है, और उसके बाद नमक मैंने डाल दिया है, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच डाल दिया है, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। बस ये मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो साथ साथ सारे काम हो रहे थे। हाँ ये है कि फ्राइंग का काम आज उस्मान करेंगे, वो घर में है, बाकी सारे काम मैं खुद ही कर रही थी। अच्छा मैं आपको बता रही थी कहानी में ट्विस्ट क्या आया, ये मैं साथ साथ बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ट्विस्ट ये आया कि मैंने कहा आटा बस नहीं गूंथती मैं, इफ्तार करके ना सहरी के लिए गूंदूंगी। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि जब उस्मान किचन में आए तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या बना रही हैं, तो मैंने कहा ये बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो रोटी भी खानी है, रोटी भी बनाओ। तो मैंने कहा चलो जी, जितना हम कहते हैं हमारी लाइफ थोड़ी सी ज़रा आसान हो जाए, हम अपने लिए कुछ बना लें, अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लें, तो ऐसा बहुत कम होता है लाइफ में, और रियलिटी यही होती है। खैर जी यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। उस्मान को मैंने कहा था कि जो हमारी वीकली ग्रॉसरी होती है ना वो भी करनी थी उन्होंने, और वो इफ्तार के बाद गए भी, लेकिन स्टोर बंद था। तो खैर अब देखेंगे कब आती है। तो आज जितनी चीज़ें थी मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। शुक्र है कि आज के लिए तो ये फ्रूट चाट बड़े मज़े की रेडी हो गई थी। तो जितनी चीज़ें रखी हुई थी ना वो मैंने सारी इसमें डाल दी हैं। आज मैंने इस पे चाट मसाला नहीं डाला क्योंकि मुझे जो फ्लू लगा हुआ था ना, फीवर हुआ हुआ था, और उस्मान भी कह रहे थे कि बड़ा लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो खैर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें डाल दी। और ये देखें जी उस्मान आ गए किचन में, और उस्मान जब आते हैं ना किचन में माशाल्लाह से ऐसी रौनक लग जाती है कि काम करने का ना मज़ा आता है। क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, तो वैसे तो अकेली मैं सारा टाइम लगी रहती हूँ, लेकिन यह है कि जब वो आ जाते हैं ना तो फिर मेरा मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अभी वो पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। बेसन मैंने उनको इतना अच्छा बना के दिया, उन्होंने उसमें और पानी ऐड कर दिया। अब उसके बाद उनसे जो है ना वो हैंडल नहीं हो रहा था, तो वो और बेसन जो है ना इसमें ऐड करके इसको सेट कर रहे थे। तो ये देखें जी किचन का चूल्हे का तो बड़ा बुरा हाल होता है, लेकिन फिर भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ कोई ना, खैर है, साफ़ कर लूँगी बाद में। अच्छा उसके साथ यहाँ पे फिर मैं अभी आटा गूँध रही थी, क्योंकि आटा मैंने तो कहा था बाद में गूँधूँगी, लेकिन अब प्रोग्राम जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैंने कहा चलो अब उनका दिल चाह रहा है तो बना देती हूँ। पहले कह रहे थे बना दो, फिर उन्होंने कहा चलो रहने दो, मैंने कहा नहीं मैं बना लेती हूँ। और ये देखें ये जो है रेडी हो गए राइस, इन पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लिया। तो ये सारे काम हो गए जी। चावलों को दम पे मैंने रख दिया, और उसके बाद यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से चीज़ों को डिश आउट करूँगी। तो बस फ्राइंग की तरफ से थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बाकी काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें कितने मज़े की रेडी हो जाती है। और ये हम थोड़ा सा सिंपल रखते हैं क्योंकि रोज़े के साथ ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हम दोनों नहीं खाते हैं। हाँ ये कि चाट मसाला डाल लेती हूँ, या जब खाना हो तो बाद में डाल देती हूँ। तो इस पर मैंने डाल दिया सैलेड, और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी चाट मसाला थोड़ा सा, और उसके साथ मैं इस पे डाल दूंगी इमली की चटनी। तो ये बड़े मज़े की बनती है। चना चाट बहुत से तरह की बनती है, बस आजकल हम थोड़ा सा ज़रा इसको सिंपल रखते हैं, लेकिन ये है कि टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो ये देखें जी सालन भी बड़ा मज़े का रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने इसको ज़रा पतला रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा था, वो इस वजह से कि मैंने राइस पे डाल के खाना था, तो उस पर फिर बहुत गाढ़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसको ज़रा ग्रेवी टाइप की रखी थी। और ये देखें जी बस रोटी भी रेडी हो गई, और साथ साथ जो है ना सारे काम भी हो गए। और फिर मैं चली गई थी बाहर, तो मैंने कहा चलो बाद में फिर हम इसको जो है ना ज़रा रिफ़्रेश कर लेंगे। ये तरीका आपने पकोड़े गर्म करने का बहुत ही कम देखा होगा, और इतने मज़े के क्रिस्पी बने थे ना इस तरीके से। तो अब टिश्यू भी दूसरा उठाना था ना। वो ठंडे बर्फ से निकले हुए हैं। खैर जी, यहाँ पे हम दोनों जो है ना गपशप भी लगा रहे थे और यहाँ पे ड्रामा पूरा लगा हुआ था, लेकिन पकोड़े बहुत ही मज़े के रेडी हो गए थे। और आज मुझे पाकिस्तान की याद आ गई, वहाँ पे हम ये सब करते थे। पकोड़ों को फ्रेशन अप करते हुए चस आ गई, चस चस। ये नहीं आपकी ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, टेबल हमारी सज गई अल्हम्दुलिल्लाह से। आप देखें, इंसान सोच रहा होता है ना क्या बनाएं क्या ना बनाएं और कैसे बनाएं, रोज़ा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इफ्तार के टाइम पे बड़ी अच्छी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। और ये देखिए, मैं आपको कीमा भी दिखा देती हूँ, और उसके साथ थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई थी जो कल की थी, वो भी मैंने फ्रेश कर ली, टेबल पे रख ली। ये देखें जी, कीमा कितना मज़े का रेडी हो गया। यहाँ वैसे लाइट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यह कि हमारा खाना बड़ा मज़े का रेडी हुआ। और चावलों का जो पॉट है वो मैंने एज़ इट इज़ रख दिया ताकि गर्म रहे, अदरवाइज़ ठंडा हो जाता है। थोड़ी सी मैक्रोनीस रखी हुई थी, और जो मैंने कल बनाई थी कस्टर्ड वो भी थोड़ी सी रखी हुई थी, वो भी मैंने यहाँ पे रख दी है। तो बड़ा मज़ेदार आज सब कुछ अरेंज हो गया था, और छुट्टी का दिन था तो इसलिए और भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है दिल को। रोज़े माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े अच्छे जा रहे हैं। आप बताएं आपके कैसे जा रहे हैं, और कितने मतलब टाइम भागता जा रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे टाइम गुजर रहा है। क्रिस्प आ रहा है कल जैसा पकोड़े में। नो वरीज, क्रिस्प आ रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा। और ये देखें, काफ़ी देर के बाद यहाँ पे राइस में डाल रही हूँ, और बिल्कुल गर्म थे, इसी वजह से मैंने ये ऐसे ही रख लिया था, क्योंकि ऐसे रखती ना मैं डिश आउट करके तो वो फ़ौरन ठंडे हो जाते हैं, बार बार फिर हम उठते हैं, ओवन के चक्कर लग रहे होते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर इस तरह से रख लेती हूँ, कोई भी पॉट हो पैन हो तो इसमें गर्म रहते हैं, और कैसे मज़े के धुएँ निकल रहे हैं। अच्छा, मैं तो चटनी शटनी और चीज़ें डाल के ऊपर खाती हूँ, उस्मान तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन यह है कि मुझे अच्छा लगता है। तो वही प्लेट थी तो मैंने उसी में डाल दिया, मैंने कहा ऊपर ही चटनी डालनी थी ना, कोई बात नहीं, चटनी साइड पे ही है। तो मैंने ऐसे ही इस पर राइस डाल दिए, उसके ऊपर मैंने कीमा डाल दिया। ये देखें कितना मज़े का रेडी हुआ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंजॉय किया। और आप बताइएगा आज आपने इफ्तार में क्या खाया है। तो इफ्तार करने के बाद मैंने कपड़े वॉश किए थे, उस्मान को मैंने कहा आप ये डाल दें, मैं जल्दी जल्दी से सारे बर्तन वॉश करके चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल कर लिया, और दही भी यहाँ पे मैं बनने के लिए रख दूंगी ताकि कल के लिए रेडी हो जाएं सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।